और चलिए बात अगली खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु समझौते से अलग होने के फैसले का ऐलान किया। भारत और ईरान कई मोर्चों पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ईरान और अमेरिका के रिश्तों में खटास आने से भारत को भी कई मायनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच वर्ष 2015 में हुई परमाणु डील आखिरकार टूट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से हटने का ऐलान तय समय से 3 दिन पहले ही कर दिया। हालांकि उनके ऐलान करने से पहले ही पूरी दुनिया को इसका अंदेशा था, लेकिन इस डील से हटने को लेकर अब अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ने परमाणु डील से जुड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। डील के टूटने के बाद दुनिया के कई बड़े देशों में इसकी आहट सुनाई दी। फ्रांस और जर्मनी दोनों ने ही इस डील से अमेरिका के पीछे हटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहरहाल, इस परमाणु डील के टूटने के बाद भी 5 अहम देश इससे जुड़े हैं, लेकिन इस डील के टूटने का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। तेल खपत के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं भारत जिन देशों से तेल खरीदता है उसमें ईरान तीसरे नंबर पर और सऊदी अरब, इराक पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल की कीमत आसमान छू सकती है। पहले से ही तेल की कीमत से परेशान भारत के लिए ये एक बड़ा झटके जैसा होगा। ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौते के बाद भारत और ईरान के संबंधों में घनिष्ठता आई थी, साथ ही इजराइल और सऊदी अरब से भी रिश्ते अच्छे हुए थे। वहीं अब अमेरिका की इस डील से अलग होने के बाद सऊदी अरब और इजराइल ने भी इस कदम की सराहना की। ऐसे में भारत यदि ईरान के साथ संबंधों में मजबूती दिखाता है तो उसे इजराइल और सऊदी अरब की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। भारत के लिए अब क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखना भी चुनौती होगा। यदि भारत इस मामले में अमेरिका का साथ देता है तो ईरान खुद ब खुद चीन और पाकिस्तान से ज्यादा करीब आ जाएगा, जो पहले से ही इस तरह के मौके का इंतजार में है। खबरें हैं कि ईरान पहले ही पाकिस्तान और चीन को चाबहार प्रोजेक्ट में निवेश के लिए आमंत्रण दे चुका है। भारत पहले ही चीन की वजह से श्रीलंका, नेपाल और मालदीव से संबंधों को लेकर जूझ रहा है। ईरान से संबंध बिगड़ना भारत की ताकत कम करने जैसा होगा। ऐसे में भारत को फिर एक बार इन्हीं मुश्किलों से दोचार होना पड़ सकता है जो इस डील के होने से पहले थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।